जब से अमर और रिया की शादी एक दूसरे के साथ हुई, रिया बार बार अमर से अपने गांव वाले फार्म हाउस को देखने और कुछ दिन वहां जाकर बिताने की जिद करती रहती थी। पर अमर बार बार रिया की बात को टाल देता था, क्योंकि ऑफिस के कामों से उसे फुर्सत मिले तब ना। लेकिन उन दोनों की नई नई शादी हुई थी तो अमर के बॉस के तरफ से एक आश्चर्य भरी खबर आई कि अमर, एक वीक के लिए तुम्हारी छुट्टी है और इससे तुम्हारे सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर क्या था, रिया से जब अमर ने पूछा कि कहाँ ट्रिप पे कहाँ चले, तो उसने वही पुराना रट लगाया कि गांव के फार्म हाउस चलो, तो अमर भी मान गया। दोनों ने पैकिंग की और मुंबई से फ्लाइट पकड़ गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में रिया यह सोचकर काफ़ी खुश हो रही थी कि अगला एक सप्ताह उसके लिए कितना खुशी का पल होगा। रिया ने अमर के फार्म हाउस और उसके गांव के बारे में पहली बार अमर के दोस्त रवि के मुँह से सुना था, वरना रिया को तो ये भी नहीं पता था कि अमर का कोई गाँव भी है। खैर, सफ़र ख़त्म हुआ और वे गांव पहुंचे। रात हो चुकी थी और जो कि अमर के माता पिता गुजर चुके थे, सो अमर यह सोच रहा था कि वो रिया को लेकर रात कहां गुजारे, क्योंकि रात के समय काफ़ी दिनों से बंद पड़े फार्म हाउस में अमर जाना नहीं चाहता था, तो वह चुपचाप बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठा था। तभी खेत से अपने घर जाते हुए रमेश काका की नज़र अमर पर पड़ी। यूँ तो अमर का चेहरा अब रमेश काका को याद नहीं रह गया था, पर कुछ देर यूं ही खड़े देखकर वे बाद में अनजाने में ही उन्होंने कहा, अमर चौंक गया कि ये तो रमेश काका है। उसने उनके पैर छुए तो रमेश को यकीन हो गया। हालचाल पूछने के बाद रमेश काका ने कहा, रात के समय बहू को लेकर कहाँ जाओगे, चलो आज मेरे घर ठहर जाओ। तो अमर भी खुशी खुशी मान गया। सफ़र की वजह से दोनों थक चुके थे, तो खाना खाकर रिया काकी के पास और अमर बाहर खाट पे सो गया। अगली सुबह जब दोनों उठे तो काका खेत को चले गए थे और काकी रसोई घर में खाना बना रही थी। नाश्ता करने के बाद दोनों चलने को तैयार हुए तो काकी ने कहा, तुम दोनों यहाँ से कब जा रहे हो? ये बात सुनकर रिया और अमर दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। भला इतने दिनों बाद तो वे दोनों अपने गांव आए थे और अभी काकी को जाने की पड़ी है। रिया बोली, आंटी अभी तो एक सप्ताह रुकना है, हम लोग फार्म हाउस में कुछ दिन बिताने और गांव देखने आए हैं। यह सुनकर काकी बोली, अनर्थ ना कर छोरी, तुम दोनों का यहाँ रहना ठीक ना से और फार्म हाउस में तो बिल्कुल भी ना। लेकिन रिया इन बातों को कहाँ मानने वाली थी, उससे तो अब ये बात ठान ली कि वो अभी इसी वक्त फार्म हाउस जाएगी। अमर और रिया निकल पड़े। काफ़ी देर से बंद पड़े फार्म हाउस का ताला बड़ी मुश्किल से खुला और अंदर हर तरफ धूल जमी पड़ी थी। जैसे ही रिया ने अपना पैर फार्म हाउस में रखा, अचानक एक काली बिल्ली उसके पैरों के ऊपर से छलांग लगाती हुई भागी। अमर को कुछ ठीक नहीं लगा, पर भला रिया के आगे उसका बस कहाँ चलने वाला था। रिया इन सब बातों में यकीन नहीं करती थी, उनकी छुट्टियाँ सिर्फ एक सप्ताह के लिए थी, तो रिया एक भी दिन यूं ही व्यर्थ नहीं होना देना चाहती थी। रिया अतः वह फटाफट काम पर लग गई। शाम तक उसने घर का एक एक कोना चमका दिया और इधर अमर भी बाहर से कुछ खाने को लाया। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। गांव में लाइट चली गई थी तो अंधेरा पूरे कमरे में फैला हुआ था, पर अब उन दोनों को सोना था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अमर ने रिया का हाथ पकड़ कर जैसे ही खींचा, अचानक उसे कुछ जलने की बू आई। पहले तो दोनों ने नज़रअंदाज किया, पर ये तो कुछ ही देर में लपटों में तब्दील हो गई। कैसे भी करके अमर ने रिया को बाहर निकाला तो उन्हें पता चला कि फार्म हाउस में आग लग गई है। वे फौरन रमेश काका के घर पहुंचे तो काका और काकी दोनों ने कहा, तुम दोनों यहाँ से तुरंत चले जाओ। आखिर बात क्या है काकी, तुम क्यों बार बार मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो? इस पर काकी ने बताया कि जब यह सब रोज़ी कर रही है। रोज़ी का नाम सुनते ही अमर की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए पूछा, क्या हुआ रोज़ी के साथ? तो काकी ने बताया कि जब से तुम बम्बई गए, रोज़ी खोई खोई रहने लगी। वो तुम्हें बहुत चाहती थी, पर जब उसे यह पता चला कि तुम अब रिया को चाहने लगे हो और अब उसी से शादी करने वाले हो, उसने 15 दिन पहले उसी फार्म हाउस के बगल की झोपड़ी में जहाँ तुम दोनों मिला करते थे, उसी में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सुनते ही अमर फूट फूट कर रोने लगा।